बदायूं से आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। बदायूं के बिसौली विधायक पर रेप का आरोप लगा है। एक महिला ने रेप का आरोप बीजेपी विधायक पर लगाया है। कुशाग्र सागर बीजेपी विधायक का नाम है, जो कि बिसौली का विधायक। उन्नाव कांड की तरह एक और मामला बदायूं से सामने आया है, जहां पर बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप लगा है। बीजेपी विधायक का नाम कुशाग्र सागर बताया जा रहा है। बरेली की ये पीड़िता, जिसने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। विजय हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। विजय, उन्नाव कांड की तरह बदायूं कांड, जरा पूरी खबर बताएं। मनु, बताऊं आपको, ये बरेली की ये घटना है। बारादरी कोतवाली थाना क्षेत्र की एक महिला है, उसका ये आरोप है कि विधायक कुशाग्र सागर ने उसके साथ यौन शोषण किया। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर बता दूं, जब इस मामले में पूरी विधायक से बात की गई तो विधायक का साफ ये कहना है कि उस महिला को वो जानते तक नहीं है और कहीं भी उससे आज तक मुलाकात भी नहीं हुई है। विधायक कुशाग्र सागर का साफ ये कहना है कि विधायक की हमारी जो छवि बनी हुई है, राजनीतिक छवि हमारी जो है, उसको बदनाम करने के लिए विरोधियों का ये षड्यंत्र है। फिलहाल हमें किसी भी तरीके से कहीं पे भी किसी जांच से हमें कोई डर नहीं है। जहां मर्जी हो वहां उसकी जांच करा ली जाए। मनु, एक चीज यहाँ पर और है। बरेली SSP कलानिधि नैसानी ने साफ आदेश CO3 को जांच के कर दिए हैं कि इसमें जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। मनु, विजय, इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है बरेली थाने में। ये बताइए, पीड़िता का दावा क्या है? रेप की घटना को अंजाम कब दिया गया था? बिल्कुल, जिस तरीके से मनु पीड़िता से बात करने की कोशिश मीडिया लगातार कर रही है, कल जब पीड़िता से बात हुई थी तो पीड़िता का ये कहना है कि अब से 2 साल पहले कुशाग्र सागर का बरेली ग्रीन हाउस में उनका मकान है और वहाँ 2 साल पहले जो पीड़िता की जो माँ है वहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी, उसी समय विधायक की जो है वो टच में आई और उसके उस समय कुशाग्र सागर अपनी स्कूल लाइफ में हुआ करते थे और वो उस समय राजनीतिक चीजों से ताल्लुक नहीं रखते थे। हाँ, उनके पिता जरूर राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखते थे और वो इस समय क्या उसके विधायक भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं बदायूं की बिसौली विधानसभा सीट से। उसी सीट से आज उनके बेटे कुशाग्र सागर विधायक। विजय, आपको रोकना चाहेंगे, जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, खुद हमारे साथ बीजेपी के विधायक जुड़ गए हैं, कुशाग्र सागर। कुशाग्र सागर जी, आप पर बहुत गंभीर आरोप। बरेली की एक महिला है जो कह रही है कि आप 2 साल से उसके साथ रेप कर रहे थे। जी बिल्कुल, निराधार बिल्कुल झूठ आरोप मेरे खिलाफ। मेरी राजनीतिक शुरुआत है, मेरे राजनीतिक करियर को खराब करने के लिए, पार्टी की छवि को खराब करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही निराधार है और इसकी जांच चल रही है। मैं शासन से, प्रशासन से इसकी यही मांग भी करता हूँ आपके थ्रू भी, कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जो भी दोषी है उसको उसकी सजा मिले। कुशाग्र सागर जी, वो तो करीब 2 साल से आप उसके संपर्क में थे, उसके साथ 2 साल से रेप किया जा रहा है। बिल्कुल गलत बोल रही है, बिल्कुल झूठ है। कोई उसके पास प्रूफ हो तो वो जो है उसमें जांच में आ ही जाएगा, है ना। अच्छा, ये बताइए कि आप इस महिला को जानते हैं? जी, क्या आप इस महिला को जानते हैं? मैं बता रहा हूँ, 2012 में इसकी माँ जो है हमारे यहाँ काम करती थी, झाड़ू पोछा का मेड थी, तो उस पे चोरी का कोई आरोप लगा तो इनको काम से निकाल दिया गया था। तो फिर 2014 में इस लड़की की तरफ से मेरे लिए यही सेम चीज 2014 में भी मेरे खिलाफ दी गई थी, जिसमें CO साहब ने जांच की थी और उसमें मुझे क्लीन चिट मिल गई थी, जब कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल झूठा केस था। तो उसमें इन लोगों ने खुद को फंसता हुआ पाया तो फिर मेरे से माफी मांगी और एक एफिडेविट इन लोगों ने दिया। एफिडेविट मेरे पास मौजूद है, जिसमें इन लोगों ने एफिडेविट में लिखा कि किसी गलतफहमी की वजह से ऐसे ऐसे एप्लीकेशन हमने दी है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एफिडेविट मेरे पास मौजूद है और अब ये दोबारा से मुझे, अब मैं पॉलिटिकल लाइन में आ गया हूँ, मैं MLA बन गया हूँ, तो मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है दोबारा से। जी, आप बता रहे हैं कि 2014 में इस तरीके का मामला, आप पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी महिला की तरफ से, जो कि उसी साल खत्म भी हो गया था, लेकिन वो तो ये कह रही है कि 2 साल से आप उसके संपर्क में थे। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 साल से। ये इसका ये कहने का मतलब है, ये अपने बयान में इन्होंने ये कहा है कि 4 साल तक मैं इसका रेप करता रहा, मेरी 25 साल एज है, अब 4 साल से मैं इसका रेप कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल निराधार बात हो गई। इस बात का तो कोई तुक नहीं बनता है।
कुशाग्र सागर जी, आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, कौन करा रहा है राजनीतिक साजिश? ये तो जांच में सामने आएगा, मैं तो कह रहा हूँ उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। जब एक महिला माफी मांग चुकी है एफिडेविट लगाकर, तो दोबारा आप पर रेप का चार्ज क्यों लगाएगी? यही तो नहीं समझ में आ रहा है, यही तो जांच में मैं चाह रहा हूँ कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो इसकी। आप मानते कि आपकी ये तमाम जो राजनीतिक साजिश हो रही है विरोधी कर रहे हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है। मेरे पिताजी के खिलाफ भी ऐसी साजिश हो चुकी है पहले जी। राजनीति को इतने नीचे लेवल पर आकर करना ये ठीक नहीं जी। उन्नाव कांड भी सामने आया था कुशाग्र सागर जी, वो भी बीजेपी विधायक थे, वो भी लाख बना करते रहे, लेकिन उसके बाद सीबीआई जांच चल रही है, अब आपका भी नाम इसमें सामने आ रहा है जी। तो मैं तो हर चीज को फेस करने के लिए तैयार हूँ, जैसी जांच होनी है उसको हो जाने दिया जाए जी। मैं तो खुद मांग कर रहा हूँ जांच के लिए जी, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आप जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए, शुक्रिया कुशाग्र सागर जी हमसे जुड़ने के लिए। बीजेपी के विधायक कुशाग्र सागर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं, निराधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है और मैं इस महिला से 2012 में मिला था, इसकी माँ हमारे घर में थी 2014 में, लड़की ने इसी तरीके का आरोप उस वक्त भी लगाया था और बकायदा एफिडेविट दाखिल करके माफी भी मांगी थी, उस वक्त मुझे क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन एक बार फिर ये महिला अब इसी तरह के झूठे आरोपों के साथ मेरे सामने मुझ पर लगा रही है, मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि 4 साल से रेप किया जा रहा था कुशाग्र सागर की तरफ से, कुशाग्र सागर बीजेपी के विधायक है।